हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने जो ट्रैक्टर है ये है जी स्वराज 855 फोर स्टार। तो दोस्तों देखते हैं जी ये कर क्या रहा है। असल में अभी जहाँ पर ये ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पर थोड़ा लांग जो है वो कम है, अभी घूम के वहाँ जाएगा फिर देखते हैं करता क्या है। असल में रीपर बिल्कुल नया है, आवाज़ वगैरह चेक करेंगे इसकी अभी उधर चल के। तो इसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई आवाज का बदलाव नहीं, कुछ नहीं। अब दबा हल्का सा, अभी जो ये लाइन है ना ये वाली, इसमें लाते हैं ये वाली में, इसमें लांग अच्छा पड़ा हुआ है, उस वाली में भी ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर दब नहीं रहा है। क्योंकि दब नहीं रहा इसलिए दोस्तों, क्योंकि एक वजह और है। अब इस समय जो टाइम है दोस्तों वो लगभग 5:30 के आसपास का है, सारे दिन की धूप लगी है, तो इसलिए जो है वो ट्रैक्टर आराम से चल भी रहा है, ये भी चीज़ है। अरे इधर ले आ यार, हमें भी दिखा दबरा इन दबरा। अब आवाज है थोड़ी सी, कौन से गियर में लगा रखा है, लेकिन सच पे पैर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब आया चल चल, जान को दबा रहा है ये बड़ा लांग। अब देख क्या करता है यहां पे, ओ आया मजा। ट्रॉली थोड़ी छोटी है यार, रेस बहुत है, रीपर बहुत ज्यादा आरपीएम पे चल रहा। चलो हमारे ड्राइवर साहब एक वहां खड़े हैं, उनको पूछते हैं कि नहीं है, एक ड्राइवर साहब हमारे यहाँ पर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं जी असल में चक्कर क्या है। तो भैया एक बताओ बात कि अब ट्रैक्टर जैसे आप चलाते हो तो कितनी देर में ट्रॉली भर जाती है? 30 से 40 मिनट। 30 से 40 मिनट में कितना, सही बताओ सही, 25-30 या 30-40? 25-30। अच्छा अच्छा, और डीजल खर्च बता दो कितना खा रहा स्वराज 855 फोर स्टार है ना? 4 लीटर। एक घंटे का 4 लीटर या ट्रॉली का 4 लीटर? तो ये तो 8 लीटर हो गया घंटे का, एक ट्राली का 4 हो गया, और ट्रॉली बन रही है अपनी आधे घंटे में, तो एक घंटे में फिर 8 लीटर हो गया। चलो सही है सही है। अब हमारे कई भाई कहेंगे ये गलत गलत बता रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर दब भी अच्छा खासा ही रहा है, वैसे कहीं कहीं सही भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाल अभी पूरा अच्छी तरह सूखा नहीं मेरे ख्याल से, नीचे नरम है ना जी। हाँ, और जो हमारे मालिक हैं उनसे मिलवा देते हैं, हमारे भाई साहब गुल्लू जी, इनका ट्रैक्टर है। थोड़ा सा ये बताओ कि ट्रैक्टर आपने और भी देखे होंगे, रीपर पे चलाए होंगे, तो कौन कौन से आज चलाए हैं आपने ये बताओ? सोनालिका सही चलता है 855। यार एक बात बताओ कि लिखित में तो सबकी, जैसे मान लो 50 HP लिखित में जॉनडियर की भी आती है और कई ट्रैक्टरों की आती है, लेकिन सब लोग ये क्यों कहते हैं कि जॉनडियर की पीटीओ में ताकत ज़्यादा, ऐसा क्यों? उसकी पीटीओ सीधा इंजन से है ना। अच्छा डायरेक्ट पीटीओ है, और इसकी वजह से होती है आम ट्रैक्टरों की। अच्छा गेरों में है। चलो सही है सही है। अब रीपर नया लिया इस बार? 2 साल हो गए। कितने का लिया था? छूट करके तो वही 240 का पड़ा। छूट करके 240 का, वैसे 3.5 का है। एक 30 आई थी, बाकी 10-20 हज़ार खर्चा। अच्छा खर्चा भी हो गया 10-20 हज़ार, और एक 30 छूट आई थी।
तो दोस्तों आप ये समझ लो कि सारी छूट नहीं मिलती जी, 20-30 और खर्चा भी करना पड़ता तभी छूट आती है। अगर आप सोचो ना कि सारी छूट मेरे खाते में आए तो खाते में छूट जो है वो नहीं आएगी, ठीक है जी। अब कई हमारे भाई कहते हैं जी छूट आती तो है नहीं, लेकिन दोस्तों खर्चा करना पड़ता तभी छूट आती है। तो ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस आपने देख ली जी, ट्रैक्टर चल कौन से गियर में रहा है वैसे? कौन से गियर में चल रहा? पहले में, पहले में, पहले में चल रहा, पहले दूसरे में चल रहा, पहले और पहले हाई, पहले लो में, पहले लो दूसरे में, पहले लो दूसरे लो में, अब कौन से में चल रहा है? दूसरे में। अच्छा अच्छा, कभी पहले में कभी दूसरे में ना, लांग देख के। चलो ठीक है जी, चलो गुल्लू भैया ने बहुत बढ़िया जानकारी दी दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और ट्रैक्टर के साथ।